Hello everyone, welcome once again, and today we'll learn about the new topic, that is adornment and lawn making. So we'll start with adornment. What is adornment? If we say like in the simple words, तो adornment it's like a type of decoration. जैसे आप घर में कुछ decoration करते हैं, okay? या फिर कुछ लाते हैं, like there are some decorative material. ना डेकोरेटिव मटेरियल जो मार्केट में मिलता है घर को सजाने के लिए, तो दैट इज़ अडोर्नमेंट्स. तो इवन गार्डन में भी अडोर्नमेंट का मतलब यूज़ होता है. क्यों? टू मेक दैट गार्डन मोर ब्यूटिफुल, मोर एन्जॉयबल. ठीक है, तो सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द गार्डन अडोर्नमेंट्स आर लाइक बर्थ बाथ. ये जो पहला फोटो है इसमें जो वाइट कलर का है, इज लाइक अ बेसिन टाइप है, तो इसको बर्थ बाथ बोलते हैं. लाइक द बर्ड्स यूज टू कम दिस टू ड्रिंक वाटर एंड ऑल. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है बर्थ बाथ. और ये जो दूसरा है फोटो, ओके, फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द राइट साइड अपर पोर्शन में, ये वाला है सन क्लॉक. ये सन क्लॉक है, इट्स द ओल्ड सन क्लॉक. पुराने जमाने में जो यूज़ होता है सन क्लॉक, ये है. इन माई विजिट, ड्यूरिंग माई विजिट इन जयपुर और इवन दिल्ली में भी आई सॉ दिस. लाइक आई थिंक सम ऑफ यू ऑल्सो हैव विजिट, यू नो दिस, राइट? तो ये इसको सन क्लॉक बोलते हैं, पुराने ज़माने का सन क्लॉक. और इस ज़माने में दे यूज दिस टाइप, दिस सेकेंड, द लास्ट वन, द लास्ट फोटोज, द लास्ट पिक्चर इज, दिस इज ऑल्सो सन क्लॉक. एंड देन नाउ दे आर यूजिंग दिस टाइप इन गार्डन्स, ओके, एज एन अडोर्नमेंट. तो these are some example, and this is what adornment means. So we'll go to the next topic. So now we'll start with this new topic, that is lawn making. तो lawn making, सबसे पहले we have to understand, सबसे पहले हमको understand करना है कि lawn क्या है. It's a ground covered of perennial grass. Okay, perennial grass. Perennial का मतलब क्या है? Perennial का मतलब ये है जो which grow in like in all season, या फिर बहुत लंबे समय तक grow करता है और बहुत सालों तक मतलब survive करता है. उस प्रकार का grass plan होता है इस lawn में. Okay, when you make lawn, जब आप lawn prepare करते हो, तो what type of grass? Perennial grass is grown. ओके, और फिर उसको प्रॉपर मैनेज करते हैं, लाइक प्रॉपर मैनेज करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिस होता है. एंड द इट इज़ ऑल्सो लाइक एन एलिमेंट, ओके, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द गार्डन. जब गार्डन एस्टैब्लिश करते हो, जब आप गार्डन बनाते हो, तो लॉन एक ऐसा मतलब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है गार्डन का. इसको इवन हार्ट ऑफ गार्डन बोलते हैं. ओके, सो and one more important importance of lawn making is that ye prevent karta hai soil erosion se. Okay, so when you establish lawn in your garden, jab aap establish karte ho lawn ko apne garden mein, to ye soil erosion ko bhi prevent karta hai. So for lawn establishment ya lawn making, उसके लिए आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो माइंड में रखना है. वो है साइट और सॉइल के, एंड प्रिपरेशन, दैट इज सॉइल और प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल एंड ऑल, एंड सेलेक्शन ऑफ द ग्रास. तो सबसे पहले है साइट. तो साइट लाइक इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको लॉन प्रिपेयर करना है. सो जो साइट है वो सदर्न पार्ट में होना चाहिए, कि इन द साउदर्न पार्ट, ओके, एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द हाउस, ना साउदर्न पार्ट ऑफ द हाउस, एंड साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, उस डायरेक्शन में आपको लॉन प्रिपेयर करना है. एंड लाइक उस एरिया में लाइक यू हैव टू सी दैट ज़्यादा मतलब वहाँ पर छाव नहीं होना चाहिए. और जो शेडेड प्लान है, उसको अवॉइड, लाइक इफ़ यू कैन अवॉइड दैट, ओके, शेड, जो शेड ऑफ ट्रीज है, लाइक ट्रीज, सो इट शुड बी अवॉइडेड. इसको अवॉइड करना है. एंड वो जो जगह है उसको, येस, दैट इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इट शुड गेट लाइक इट शुड बी अ सनी प्लेसेस, ओके, सनी प्लेस, इट शुड गेट फुल सनलाइट. और दूसरा है सॉइल. सो
इन सॉइल यू हैव टू सी दिस कैटेगरी, ये कैटेगरी यूज करना है, दैट इज सैंडी लोम सॉइल. लाइक सी यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो अपर पार्ट है, जो पिक्चर है वो है, इट्स इन अ ओपन स्पेस, राइट. जो साइट मैंने आपको बोला था, लाइक इट शुड बी इन द इन दिस डायरेक्शन इन साउदर्न पार्ट, एंड देन इट विल लुक लाइक दिस. इट शुड बी अ ओपन फील्ड, और उसमें मतलब बहुत कम पेड़ होना चाहिए, सो दैट इट विल बी रियली लाइक द सन कैन लाइक इट कैन गेट प्रॉपर सनलाइट, इसको प्रॉपर सनलाइट मिले. और इवन द सॉइल ऑल्सो, जो सॉइल है, ये दूसरा जो पिक्चर है नीचे लेफ्ट साइड में, यू कैन सी दैट दिस इज अ सैंडी लोमी सॉइल, और ये वेल फर्टाइल है, और इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छा होता है. ओके, लाइक इट कैन लाइक इट कैन रिमेन मॉइस फॉर लॉन्गर पीरियड, वो मॉइस होगा लाइक लॉन्गर पीरियड के लिए. और इसका जो पीएच है वो 5 to 6 है, ये ज़्यादा मतलब ये अल्कलाइन नहीं, ज़्यादा बेसिक नहीं है, मतलब मीडियम में है. ओके, और इसका जो प्रिपरेशन है, जब आप लैंड प्रिपेयर करते हो, सो यू हैव टू डिक 30 to 45 सेंटीमीटर डेप्थ इन अ हॉट वेदर. ओके, मॉनसून या फिर बारिश का मौसम आने से पहले आपको खुदाई करना है. यू हैव टू डिक एंड देन हाउ मच सेंटीमीटर, 30 to 45 सेंटीमीटर, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. और फिर सॉइल को भी मतलब इट शुड बी स्टेरिलाइज. Okay, and then not only that, the infertile soil, avoid application of bulky organic manure. Okay, organic manure ka upyog bhi kam hi kariye in when you do this preparation before plantation of the grasses. Okay, plantation ke pehle. Aur jo ye hai, when jab aap khudai bhi karte ho, सो वहाँ से जो रॉक्स निकलते हैं या फिर लाइक स्टोन्स एंड ऑल, उस सबको मतलब क्लीन करना है, और कुछ भी वीड्स नहीं होना चाहिए. जो वीड्स होते हैं या फिर जो अनवांटेड प्लान है, वहाँ से लाइक यू हैव टू टेक इट आउट. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रिपरेशन. एंड नाउ द सिलेक्शन ऑफ ग्रास. सो अगर इंडिया में देखा जाए, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है डूप और हरियाली. Okay, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइनाडोन डक्टाइलन. ओके, सो ये जो लास्ट पिक्चर है, ये डूप ग्रास का है. इट्स कॉल्ड डूप और हरियाली ग्रास, दैट इज इन साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड साइनाडोन डक्टाइलन. और कोरियन ग्रास भी, ये तो एग्जाम्पल है डूप का. एंड देन इवन कोरियन ग्रास ऑल्सो, इट्स कॉमनली ग्रोन इन इंडिया, डूप एंड कोरियन ग्रास. इसका बोटानिकल नेम ये है जोसिया जापोनिका. ओके, और ये सुइटेबल है सनी प्लेसेस में, जहाँ पर ज़्यादा मतलब ये लाइक बहुत ज़्यादा सनलाइट होता है, वहाँ उस जगह में बहुत अच्छा ग्रोथ होता है इसका. अनलाइक जो इसका ऑपोजिट है, वो है कारपेट ग्रास, जो ज़्यादा शेडी एरिया में, यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा छाव होता है, वहाँ पर अच्छा ग्रो करता है कारपेट ग्रास. सो कीप दिस इन माइंड, अगर बाद में अगर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डूप ग्रास या फिर हरियाली ग्रास एंड कारपेट ग्रास, तो आप ये एक पॉइंट रख सकते हो दैट डूप ग्रास. So now we'll learn about the different methods of lawn establishment or lawn making. In this another slide, we will learn more. So now we'll learn about the different methods of. So we'll discuss about the first method, that is the seeding method. Seeding method एक ऐसा मेथड है जो ज़्यादातर कूल सीजन में प्रैक्टिस होता है, कूल सीजन में यूज होता है. सो कॉमन टू ग्रो कूल सीजन लॉन मेथड. ओके, एंड मतलब जो भी लाइक ग्रास टाइप है या फिर लाइक दिस वैरायटी ऑफ सीड, सो दैट वैरायटी ऑफ सीड इट विल बी ग्रोन ओनली इन दिस सीजन, दैट इज इन द विंटर सीजन और इन द कूल सीजन.
और इसमें जब आप प्रैक्टिस करते हो, सपोज यू आर टेकिंग एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ यू आर टेकिंग 25 kg ऑफ सीड्स, ओके 25 kg ऑफ सीड्स, इसमें फिर आप मिक्स करते हो लाइक 200 to 250 kg ऑफ सैंड, ओके अगर सैंड नहीं है सो यू कैन मिक्स इट विथ सॉडस्ट, ओके और इसको फिर उसके बाद जब मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद देन यू ब्रॉडकास्ट इट इवनली, ठीक है, इवनली आप फिर इसको ब्रॉडकास्ट करते हो. ब्रॉडकास्ट मेथड, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज ब्रॉडकास्ट मेथड. जब आप रैंडमली यू व्हाट यू सो द सीड, ओके बाय जस्ट स्प्रेडिंग योर हैंड, ओके सो बाय यूजिंग योर हैंड, ठीक है, रैंडमली. सो दिस इज वन टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट मेथड ऑल्सो दैट यू हैव टू यूज हियर. और अगर कहीं पे इवन नहीं है तो हाउ यू गोना डू इट, यू हैव टू यूज वन हॉर्टिकल्चर टूल. अगर इवन नहीं है, अगर मतलब लाइक व्हाट यू डू कहीं पे ज़्यादा मतलब सीडलिंग हो गया कहीं पे कम, तो यू कैन यूज़ द रेक, ओके यू कैन यूज़ अ रेक टू लेवल इट. आप लेवल कर सकते हो रेक के द्वारा. और प्लांटेशन हो गया, नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वाटर. वाटर यू डोंट हैव टू यूज लाइक फ्लड मेथड या कुछ भी, बट वट यू हैव टू यूज, यू हैव टू यूज स्प्रिंकलिंग मेथड, ओके यू हैव टू स्प्रिंकल वाटर, ओके देन यू हैव टू यूज द स्प्रिंकलिंग मेथड ऑफ इरीगेशन टिल दैट टाइम वेन द सीड डजंट जर्मिनेट. जब तक जर्मिनेशन नहीं होगा तब तक आपको लाइक स्प्रिंकलिंग मेथड करना है रेगुलरली, ओके इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर आपने मतलब सीड सो किया है. और इस मेथड में लाइक आफ्टर यू डू द स्प्रिंकलिंग ऑन ऑल, और जर्मिनेशन कब तक होगा, तीन से पाँच हफ्ते तक, लाइक आफ्टर 3 to 5 weeks ऑफ स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, उसके बाद ही फिर जर्मिनेशन होगा 3 से 5 हफ्ते के बाद. और इस सीडिंग मेथड में बहुत लेस लेबर रिक्वायर होता है, यू डोंट नीड दैट मच लेबर इन दिस मेथड. And yes, so these are some of the few important points of the seeding method. Now we'll discuss about the next method, that is dipping method. Dipping method, it is done mostly June to September. June से September तक इस method को apply कर सकते हैं, use कर सकते हैं. और इसमें small bunch of grass, okay? Along with what? With the root, जड़ों के साथ और इसके stem के साथ लिया जाता है एक particular land से जहाँ पर ये grow करता है, और इसको फिर plant करते हैं दूसरी जगह पर जहाँ पर इसका plantation नहीं है. Like it's already a growing grass that you are taking, okay? जो already like grow कर चुका है उसको आप दूसरी जगह पर आप plant कर रहे हो. Like you can see in this picture also, जो पहला picture है उसमें like they have taken out. Now जो second picture है यहाँ पर there is one man, okay, अब ये खुदाई करेगा and then here he will do the plantation. अब यहाँ पर plantation करेगा और फिर यहाँ से फिर जब ये grow करेगा then it will spread, okay, it will spread and then it will cover the area, ये पूरे area को cover करेगा. उसके बाद फिर जो प्लांटेशन है इसका प्लांटिंग इसका डन होता है लाइक स्पेसिंग 10 cm रो टू रो, प्लांट टू प्लांट. और इसमें रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत है, यू हैव टू डू वाटरिंग एवरी डे. एंड देन दिस एक्चुअली इज़ अ वेरी क्विक मेथड, ये बहुत क्विक मेथड है, लाइक द प्रीवियस वन, जैसे कि जो सीडिंग मेथड है यू हैव टू वेट फॉर द जर्मिनेशन, आपको जर्मिनेशन के लिए वेट करना है 3 to 5 weeks के लिए, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है. एंड देन लाइक क्विक मेथड है, एंड देन यूनिफॉर्म मेथड है, और इसमें लेकिन ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है और इट इज़ ऑल्सो अ बिट कॉस्टली. सो दिस इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिपलिंग मेथड. और लॉन एस्टेब्लिशमेंट कब होगा, आफ्टर मंथ्स लाइक 3 to 4 months, ओके 3 to 4 months के बाद ही लाइक लॉन एस्टेब्लिश होगा उस छोटे से लाइक फ्रॉम दैट लाइक थोड़े से व्हाट आई विल से द ग्रास, ओके दैट यू हैव टेकन अ स्मॉल बंच, उससे फिर 3 to 4 months के बाद देन जो आपका लॉन है वो एस्टेब्लिश होगा, लाइक इट विल स्प्रेडिंग वे में, लाइक इट विल स्प्रेड एंड इट विल क्रिएट अ लॉन.
So now we'll discuss about the next method, that is the plastering method. So plastering method में what do you need? You need grass roots, जो grass के जो जड़ें होते हैं उसको, and जो stems है, okay, थोड़े से stems of the grass, and then like around 4 to 5 centimeter long, और उसको आपको mix करना है compost के साथ. उसके बाद mix करने के बाद आप इसको like you have to spread it, आप इसको spread करिए in a prepare field, जहाँ पर field जो आपने already prepare कर चुके हो, there you spread it. And then when you have to do this, कब आपको करना है? Rainy season में, बारिश के मौसम में आपको इसको perform like इसको करना है, इस method को करना है. And after that, after you already spread and all, तो उसके बाद liberal watering, that is enough watering is needed. By which method? By spraying method. Okay. Or mowing. Mowing, yeah, fair, like if I say in a simple word, like you have to trim the land. Okay, after how many days? How you have to trim the grass. Okay. Cut the grass, trim the grass in 70 to 80 days. Okay. So this is a brief explanation about the plastering method. Now we'll go to the next. That is turfing method. टर्फिंग मेथड, इसको सॉड मेथड भी बोला जाता है, और ये एक क्विकेस्ट मेथड है लॉन एस्टेब्लिशमेंट में. एंड इस बट इट इज़ आल्सो कॉस्टली मेथड, आल्सो कॉस्टली भी है. एंड बट इन ऑल द मेथड, जो सारे मेथड हमने डिस्कस किया है, ये एक क्विकेस्ट मेथड है. और इसमें कैसे, लाइक हाउ यू कैन डू, यू हैव टू टेक अ स्मॉल पीस, लाइक यू हैव टू सी अ स्मॉल पीस ऑफ वेल प्रिपेयर लॉन, जो ऑलरेडी बहुत लाइक अच्छा प्रिपेयर लॉन है, जो ऑलरेडी लॉन प्रिपेयर हो गया है, ओके, लॉन एस्टेब्लिशमेंट हो गया है. उस एरिया को नाउ यू हैव, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कट द लॉन, ओके, इन व्हाट, इन स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगुलर शेप में. आफ्टर कटिंग, after cutting, now what you gonna do, you have to do the heavy rolling. आपको roll करना है इसको, okay? Rolling करने के बाद now you have to take it, like suppose you want to take it to another place, okay? तो वो जो दूसरा जगह है उसको भी like you have to keep in mind about the land preparation. जो land preparation होना चाहिए सबसे पहले like you have to clean the land, you have to make it clean before placing this, you have to make it clean and you have to make it weed free. या फिर जो unwanted plant है उसको remove करना है. उसके बाद see that the soil, जो soil है आपका वो moist होना चाहिए, okay, it should be very moist, it should be loamy moist soil, okay, so that it won't मतलब it won't affect जो already like which is already the cut part of this lawn when you place it there, so it won't create any problem nahi hoga. So after that you can see how in this picture how they place it and how they are using the rake. Aap haath se bhi kar sakte hain, like by using gloves, you can use gloves and you can roll it, ya fir you can use rake also. Jaise yahan par is picture mein jo last picture hai, the third picture, you can see here that they are using the rake in like spreading, okay, spreading me. So this is some of the brief explanation about the turfing method. And next that we're gonna discuss, that is the last method, that is the artificial lawn method. Okay. So what is artificial lawn method? So by the word artificial, only that we know that it's not made out of real grass, it's like artificial, okay, to meet the needs of the people, okay, jahan par matlab they don't get the variety of the grasses, jahan par nahi milta hai, to wo ye bhi kar sakte hain, like gehu sow kar sakte, like the wheat or barley, okay, can be sown in a broadcast manner, like in a broadcast manner mein wo kar sakte hain in a प्रिपेयर लैंड, ओके, जो लैंड ऑलरेडी प्रिपेयर है उसमें वो ब्रॉडकास्ट मेथड में प्लांटेशन कर सकते हैं, लाइक स्प्रेड कर सकते हैं वीट या फिर बार्ली को. उसके बाद लाइक आफ्टर द सीडलिंग इज लाइक रेगुलर वाटरिंग करने के बाद, देन जब प्लान
10 सेंटीमीटर तक लाइक ग्रो होगा. ओके, लाइक इट विल ग्रो, द सीडलिंग विल ग्रो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. फिर उसके बाद आप लाइट मूविंग कर सकते हो, या फिर लाइक यू कैन ट्रिम इट. ओके, यू कैन यूज द मोवर. ओके, यू कैन डू लाइट मूविंग. एंड आफ्टर दिस दिस वन द ग्रीनरी, अगर आपको ग्रीनरी चाहिए उस एरिया में, सो बिकॉज इट वोंट लास्ट दैट मच लॉन्ग. जो वीट या बार्ली है वो ज़्यादा, मतलब इट वोंट बी दैट मच ग्रीन, इट वोंट लाइक इट वोंट बी दैट मच लॉन्ग ऑल्सो. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन यूज़ दिस वन जो शॉर्ट ड्यूरेशन है कि ग्रीनरी के लिए, उसको और मतलब हरा भरा दिखने के लिए क्या कर सकते हैं आप, पाइन, जो पाइन नीडल है इस फोटो में देख सकते हैं. ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि दिस सेकेंड एंड द लास्ट वन. ओके, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ पाइन, दिस इज पाइन नीडल. इसको आप क्या, यू कैन जस्ट स्प्रिंकल इट. ओके, रैंडमली जो फील है आपका उसमें आप ऐसे ही रैंडमली स्प्रेड कर सकते हो. सो वो ग्रीनरी, लाइक इट विल लुक मोर ग्रीन, दैट एरिया विल लुक मोर ग्रीन. ओके, इट विल लुक लाइक अ नेचुरल प्रिपेयर्ड लॉन. So this is the last example, the last method of lawn establishment or lawn making.